ओम शांति। अंग्रेजी के महान साहित्यकार ओ हेनरी का लिखा एक वृत्तांत है, द गिफ्ट ऑफ मेजाय। ১৯০৫ में लिखी ये कहानी। एक युगल है, जिम और डाला, और दोनों को आपस में बहुत स्नेह है। गरीब है, क्रिसमस अभी आने वाला है, बस एक ही दिन बाकी है, और दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे को कोई ना कोई सौगात दे। परंतु आर्थिक परिस्थिति गंभीर है। वो जो डाला होती है सोचती है, मैं इसे क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पैसे ही नहीं है। और उसके बाल बहुत लंबे होते हैं और बहुत खूबसूरत, तो वो जाती है हेयर ड्रेसर के पास और अपने बालों को बेचती है $20 में, और $21 की उसका जो पति है उसके लिए उसकी जो घड़ी है, उस घड़ी की चेन या कवर जो उस जमाने में यहाँ कमर में लटकाई जाती थी, तो वो $21 की वो वॉच चेन खरीदती है। और उसका जो पति है वो भी उसके लिए गिफ्ट लेता है। उसके पास भी कुछ नहीं है तो अपनी घड़ी बेच देता है, और अपने पत्नी के बालों के लिए एक बहुत अच्छी कंघी, सजावट वाली, वो उसके लिए गोल्डन चेन लेती है, और वो उसके लिए एक ऐसी डेकोरेटेड कंघी, और दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं क्रिसमस डे में। वो उसे अपना गिफ्ट दिखाती है, वो उसे अपना गिफ्ट दिखाता है। उसने कंघी लाई है पर उसके पास बाल ही नहीं है। वो घड़ी के लिए चेन लाई है पर वो घड़ी उसने बेच दी है। लेखक लिखता है, उनकी ये सौगात दर्शाती है कि वो प्रेम में किस हद तक जा सकते हैं। उनकी ये सौगात जैसे कि इस समय एक दूसरे के लिए व्यर्थ है, पर दिखाया है दोनों ही बैठते हैं और रोते हैं। उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं। लेखक लिखता है, इनकी ये जो सौगातें थी वो उस मेजाय की तरह थी। मेजाय उसे कहते हैं जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ तो कहते हैं तीन बुद्धिमान लोग तीन दिशाओं से, मोस्टली ईस्ट से, ढूंढते ढूंढते आकाश में एक सितारा ढूंढते हुए उस बेथलेम में पहुंचे जहां ईसा मसीह ने जन्म लिया था, कि एक सितारा आया है, परमात्मा पुत्र जन्म ले रहा है। उसका पीछा करते करते वो वहां रुकते हैं। वो जो तीन लोग होते हैं उन्हें मैजिशियन कहो या फिर बहुत बुद्धिमान लोग कहो, उन्हें मैजाय कहा जाता है। और वो वहां पहुंचते हैं, देखते हैं कि कहां जन्म लिया है इस बालक ने, किन्हीं महलों में नहीं परंतु अस्तबल में। और वहां वो तीनों उसे बहुत सारी गिफ्ट देते हैं,
तो लेखक ने लिखा है, ये जो डाला और जिम है, इन्होंने अपने एक दूसरों के लिए जो गिफ्ट लाई वो भले इस समय व्यर्थ है, परंतु उनका प्रेम दर्शाती है। तो हर क्रिसमस में लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। मुरली है क्रिसमस की, बाप भी तुम्हें गिफ्ट देते हैं। कौन सी? तीन गिफ्ट देते हैं। कौन कौन सी तीन? मुरली, टोली और मधुबन। ये आज की मुरली का नहीं है। आज क्या गिफ्ट देते हैं वो बताओ, साल भर की पॉइंट्स नहीं सुनानी है। तीन गिफ्ट। पहला, तिरी पर बहिष्ट। दूसरी गिफ्ट, दूसरी गिफ्ट बेफिक्र बादशाही। और तीसरी गिफ्ट, दिल तख्त। तेरे प्यार के आगे वो ताज क्या है, वो ताज फीका वो तख्त फीका। उसके प्रेम के आगे संसार के जो भी ताज है, जो भी तख्त है, सब कुछ फीके है। ऐसे ये तीन गिफ्ट, ऐसी ये तीन सौगातें भगवान आया है देने के लिए। एक तो भविष्य में मिलेगी, परंतु जो दूसरी दो है वो यहां अभी इसी वक्त। झटपट का सौदा है, दिलासे का सौदा नहीं है। सौदा कैसा है? झटपट का, दिलासे का नहीं, अभी का है। भक्त कहते हैं कभी, बाप कहते हैं अभी। तुरंत दान महापुण्य। लास्ट संडे अंतमति सुगति, अभी अभी श्रेष्ठ मत पर चलो तो क्या क्या हो जाएगा? गति मिलेगी, सदगति मिलेगी, और वो तो छोड़ो, संगम युग पर अब भी गति मिलेगी। कौन सी गति मिलेगी? श्रेष्ठ गति अर्थात सफलता। अब त्रिदेव बाप, त्रिदेव रचयिता है। रचयिता को बहुत प्रेम है रचना से। क्या कहता है रचयिता रचना को देखकर? वाह रचना वाह। और रचना क्या कहती है रचयिता को देख के? वाह रचयिता वाह। और जिसको जिससे प्रेम होता है वो उसकी कमी देख नहीं सकता। बाप बच्चों की कमी देख नहीं सकते। बाप बच्चों की मेहनत बाप को अच्छी नहीं लगती। कमी देख नहीं सकते और मेहनत अच्छी नहीं लगती, फिर भी मेहनत करते रहते। कारण 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 दो बातें। फेल हो जाते हैं माया से, या तो फील, फ्लू की बीमारी के 5 सिम्टम्स है। सबसे पहले शिवरिंग, शेकिंग, ठंड लगती है, वहां शरीर डोलता है या मन डोलता है। सेकंड, बिटर टेस्ट, मुख कड़वा, कड़वी कड़वी बातें बोलते हैं। तीसरा, फीवर, सर्दी गर्मी चढ़ जाती है। इसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों किया, जोश। चौथा, चौथा लॉस ऑफ एपिटाइट। कोई ज्ञान सुनाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और पांचवा, वीकनेस, कमजोरी। फील, फेल से मुक्त होना है तो शुद्ध फीलिंग में रहो। मैं कोटों में कोई, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, विशेष पाठधारी आत्मा हूं, ब्राह्मण आत्मा हूं, हायर कॉन्शियसनेस। तो फील नहीं, फेल नहीं, मेहनत नहीं, मुश्किल नहीं, कमी नहीं। तो आज कौन सा दिन है? बड़ा दिन है। कौन सा दिन है? बड़ा दिन। क्रिसमस क्या वास्तव में बड़ा दिन है? बिग डे है।
लॉन्गेस्ट डे नहीं है, बिग डे, बड़ा दिन, भारत में बड़ा दिन माना जाता है। तो कौन से दिन की मुरली है ये? 25th December। 25th December को क्या होता है? क्रिसमस। और क्रिसमस क्यों मनाई जाती है? जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन। परंतु कहीं पर भी बाइबल में 25th December का वर्णन नहीं है, ना ये वर्णन है, दिन का वर्णन है, ना तो टाइम का वर्णन है। ये तो बहुत बाद में, किसने बनाया पता नहीं, शायद पोप, पादरी, आने वाली बाकी की सभ्यता। और जब भारत में क्रिश्चियनिटी फैली, रोमन फेस्टिवल कहा जाता था उसे, और तब से उसके साथ दूसरा शब्द जुड़ा गया, बड़ा दिन। सेंटा क्लॉज तो बहुत ही बाद में आया, 4th शताब्दी में। तो क्रिसमस का दिन है, तो बाबा क्या कह रहे हैं? उनका है बड़ा दिन, और तुम्हारा क्या है? बड़ा, बड़े ते बड़ा बाप, बड़े ते बड़े बच्चे, बड़े ते बड़े दिल वाले बच्चे, बड़े ते बड़ा युग है, आयु में छोटा परंतु प्राप्तियों में और विशेषताओं में बड़ा। तो ये बड़ा युग है, ये तुम बड़े ते बड़े क्या बन रहे हो? पुरुषोत्तम। बड़ा पुरुषोत्तम क्या होता है और छोटा पुरुषोत्तम क्या होता है? फिर तो बड़े से बड़ा दिन है, एनर्जी ज्यादा है बच्चों में एनर्जी बहुत होती है। तो बड़े से बड़ा दिन है, बड़े से बड़ा बाप है, बड़े से बड़े बच्चे हैं, बड़े से बड़े दिल वाले बच्चे हैं, बड़े से बड़ी घड़ी है, बड़ी से बड़ी ये युग कैसा है? दिव्य युग है। ये युग कैसा है? अलौकिक युग है। इस आयु छोटी है परंतु इसमें सारी प्राप्तियां बड़ी है, इसमें सारी विशेषताएं बड़ी है। और तुम्हारे लिए हर दिन बड़ा है, हर दिन मौजों का दिन है। तो बाबा ने कंपैरिजन किया है, उधर क्या होता है, यहां क्या होता है। वहां क्या करते हैं? मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? नाचते हैं और गाते हैं। तुम भी नाचते हो और तुम भी गाते हो। तुम्हारा कौन सा गीत है? जो ब्रह्मा का गीत था, कौन सा? पाना था सो पा लिया। तो तुम भी गाते हो, तुम भी नाचते हो। उनका नाचना और गाना एक रात। वो भी मिठाइयां खाते हैं, खिलाते हैं। तुम कौन सी मिठाई खाते हो? खुशी की मिठाई खाते हो, अतिंद्रिय सुख की मिठाई खाते हो। कब? अमृत वेला। वो लोग कार्ड्स देते हैं, वो भी कब तक चलेंगे? तुम्हें बाप मुबारक देते हैं और बाप की मुबारक ही तुम्हारे लिए वरदान है। मोहब्बत की मुबारक याद प्यार में है। बाप क्या देते हैं तुम्हें? ऐसे मोहब्बत की मुबारक बच्चों को। तो तुम्हारी मुबारक विनाशी है, तुम्हारी मुबारक अविनाशी बाप दे रहे, और तुम्हारी मुबारक तुम्हारे लिए क्या बन जाती है? वरदान बन जाती है। तो उधर भी गीत गाना, इधर भी गीत गाना, उधर भी नाचना, इधर भी नाचना, इधर भी सौगात, उधर भी सौगात। तुम्हारी यादगार में धर्मों में क्या दिखाया है? शाखाएं, क्रिसमस ट्री, स्टार्स। कौन है वो स्टार्स? हम। और कौन है? वो सारे धर्म स्थापक भी, क्योंकि वो भी सत्व प्रधान है, और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, बेहद का बाप के तुम बेहद के बच्चे हो। इसलिए फील नहीं कर सकते, शुद्ध फीलिंग में रहने वाले
पावरफुल हो। और क्या था मुरली में? आदि पिता के तुम बच्चे हो। और क्या था? तो मुख्य चर्चा आज हम करेंगे वो है सेकंड गिफ्ट पर, बेफिक्र बादशाही। पूरी मुरली इस एक पॉइंट पर घूम रही है कहीं ना कहीं। बेफिक्र अर्थात कोई फिक्र नहीं, बेफिक्र अर्थात निश्चिंत, बेफिक्र अर्थात कोई चिंता नहीं, कोई वरी नहीं। एक यहूदी स्टोरी है, जेविश स्टोरी, जिसमें एक यहूदी फकीर है बालशेम नाम का, उसे रबाय कहा जाता है यहूदी भाषा में। जो गुरु होते हैं उन्हें रबाय कहा जाता है। जब भी गांव में संकट आता है, कोई महामारी फैलती है, कोई प्राकृतिक आपदा होती है, सारे गांव वाले उस फकीर के पास जाते हैं, कहते हैं कुछ करो, आप भगवान के निकट हो, आप उसके चुने हुए हो, आप भगवान से बातें करते हो, हमारे संकट दूर करो। वो यहूदी फकीर बालशेम जंगल में जाता है। एक विशिष्ट स्थान पर बैठता है, झाड़ के पास यज्ञ करता है, कुछ आहुतियां डालता है, फिर प्रार्थना करता है। और हर बार गांव पर जो संकट आया हुआ है वो चला जाता है। ये पहला रबाय था। इस रबाय की मृत्यु हो जाती है, उसकी जगह पर दूसरा रबाय आता है। फिर गांव पर कोई मुसीबत आती है, सारे गांव वासी उस रबाय के पास जाते हैं, कहते हैं कुछ करो, आपके पहले जो गुरु थे वो तो हमेशा कुछ करते थे। वो कहता है ठीक है, वो भी जंगल जाता है, परंतु उसे ये पता नहीं वो स्थान कौन सा है जहां पर मेरे गुरु उस स्थान पर बैठकर प्रार्थना करते थे। बाकी तो सब मैं कर लूंगा, पर स्थान का मुझे पता नहीं है। वो जाता है, कोई भी एक स्थान ले लेता है, वहां पर यज्ञ करता है, प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे वो स्थान पता नहीं पर तुझे तो पता है ना। गांव वालों पर आए हुए संकट को दूर कर, और संकट दूर हो जाता है। इस रबाय की भी मृत्यु हो जाती है, तीसरा रबाय आता है, फिर संकट आता है गांव वाले के पास, सब गांव वाले उनके पास जाते हैं, कहते हैं कुछ करो। वो कहते हैं मुझे ना तो जंगल में उस स्थान का पता है, ना ही यज्ञ कैसे करना उसकी विधि मुझे पता है, पर प्रार्थना मैं कर सकता हूं। तो हो जाता है जंगल में कहीं पर भी बैठकर प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे ईश्वर, संकट दूर करो, और संकट दूर हो जाता है। उसकी भी मृत्यु हो जाती है, चौथा रबाय आता है। वो अपनी आराम कुर्सी पर बैठे हुए झूला झूल रहा है, गांव पे फिर संकट आता है, गांव वाले फिर आते हैं, कहते हैं कुछ करो, आपके पहले वाले जितने थे वो हमेशा करते थे। वो कहता है ना तो मुझे जंगल का पता है, ना वो जगह पता है, ना मैं प्रार्थना जानता हूं, ना मैं यज्ञ जानता हूं, मैं क्या करूं। मैं हां इतना कर सकता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करके अभी तक जितने रबा है उनकी कहानियां उसे सुना सकता हूं, और भगवान को कहानियां बहुत पसंद है, शायद हो सकता है कि वो कहानियां सुनकर ही संकट को दूर कर दे। और वो अत्यंत भोले भाव से भगवान से प्रार्थना करता है, बस इतना ही कहता है कि इनका संकट दूर कर दे, तू सर्वशक्तिवान है, और तुझे मैं क्या दूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, समग्र समर्पण। और इस बार भी उनकी चिंता दूर हो जाती है, सारे गांव वाले फिर खुश हो जाते हैं। चिंता से मुक्ति का एक मार्ग क्या है? समर्पण। दे दो। तो आज की अव्यक्त वाणी पर आते हैं। आठ विधियां बताई है बाबा ने इस मुरली में, चिंता से मुक्ति की, बेफिक्र बादशाही की, फिक्र से मुक्त होने की। सबसे पहली विधि
करण करावन हार। सबसे पहली विधि क्या है? करण करावन हार। वो मेरे द्वारा कर रहा है। अगर मैं ये सोचूं कि मैं करता हूं तो आत्मा की शक्ति अनुसार कर्म का फल मिलेगा, परंतु यदि मैं उसके साथ कंबाइंड हूं, यदि वो करा रहा है मेरे द्वारा, तो वो कैसा है? सर्वशक्तिवान। निरंतर इस एक भाव का अभ्यास करना है कि मैं एक कठपुतली हूं, डोर किसके हाथ में है? ऊपर। वो मेरे द्वारा करा रहा है, इसलिए असंभव कुछ भी नहीं, इसलिए मुश्किल कुछ भी नहीं, इसके लिए कठिन कुछ भी नहीं। वो कह रहा है कि हो सकता है, वो कह रहा है कि मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहला कौन सा भाव अपने अंदर दृढ़ करेंगे? करण करावन हार। वो मेरे द्वारा ये सब करा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा कुछ है ही नहीं। वो चाहे तो जिस शक्तियों का मुझे घमंड है, जिस विशेषता का मुझे घमंड है, वो सारा ज्ञान, वो सारी विशेषता वो वापस विड्रॉ कर सकता है। इसलिए राजी तेरी रजा में, तू करा रहा है, तेरे द्वारा हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं, सारी सेवाएं वो करा रहा है। सेवा करते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है जो भूल जाती है? या ये कहो कि सेवा में वो कौन सी एक बात है जो होनी चाहिए? ट्रस्टी निमित्त वो करा रहा है, ये सब तो है ही। दूसरों की सेवा करते करते, बाहर की बड़ी बड़ी सेवा करते करते, बड़े बड़े लोगों की सेवा करते करते, दूसरी आत्माओं की महान सेवा करते करते, स्वयं की सेवा भूलनी नहीं है। अगर खुद की सेवा भूल जाती है तो फिर दूसरों की जो सेवा की जा रही है वो भी वास्तव में सेवा नहीं है। नए नए सेवाधारी आए हैं, उनसे कोई भूल हो जाए और हमने उनको डांट दिया, पूरे हॉल में कैसे प्रकंपन फैला दिए क्रोध के। वो तो अबोध है, वो तो शिशु है, वो तो नन्हे है, इसलिए तो मधुबन आए हैं, इसलिए तो सेवा में आए हैं, अभी पक्के नहीं हुए, अभी परिपक्व नहीं हुए, उनसे गलती हो गई। कोई माता है चप्पल पहन के ही सीधा शांति स्तंभ में, और हमने सोचा हम उसको श्रीमत सिखाएंगे। दूसरों को गलती करते हुए देख हमारे अंदर क्या जागृत हो? करुणा, ब्रह्म विहार। ब्रह्मा को, ब्रह्मा के नाम से शब्द है, ब्रह्म विहार अर्थात ब्रह्मा वो व्यक्ति है संसार का, हाईएस्ट ह्यूमन बीइंग, जिसमें अनंत करुणा थी, अनंत मुदिता, अनंत मैत्री, अनंत उपेक्षा, समता, सबके लिए समान। तो सेवाओं में स्वयं को उस करुणा से भरना है, क्योंकि जो द्वेष, जो जोश, जो क्रोध दूसरों को सिखाने के लिए हमने प्रकट किया, वो वायुमंडल को दूषित कर रहा है। इसलिए दूसरों को गलती करते हुए देख, ऐसा नहीं कि अनुशासन ना हो, परंतु प्रेम युक्त अनुशासन हो। दूसरों की सेवा करते हुए स्वयं की सेवा भूल ना जाए, और सबसे बड़ी स्वयं सेवा है स्वयं को स्थिर रखना, समता में रखना। चार प्रकार के लोग हैं संसार में। पहले जो अंधकार से अंधकार की ओर जा रहे हैं, दूसरे जो प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं,
तीसरे जो अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं, और चौथे जो प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। हम कौन है चारों में से? पहले दो तो नहीं है, पर कोई कोई है जो पहले दो कैटेगरी में है, जो अंधकार में ही है और अंधकार की ओर जा रहे हैं, ज्यादा अंधकार की ओर जा रहे, पहले ही अंदर में चिंताओं से भरे हैं। भगवान मिल गया, भगवान मिलते भी वो अनमिला सा ही है, क्योंकि उसके और हमारे बीच में बहुत दूरी है। केवल मुख में उसका नाम है, हृदय उससे बहुत दूर है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, 1970s की मुरली में, अमृत वेला अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है, या फिर अमृत वेला अव्यक्त स्थिति का अनुभव केवल वही बच्चे कर सकते हैं जो सारे दिन भर अव्यक्त और अंतर्मुखी है। सेवाएं तो हो रही है, परंतु सारी सेवाएं करते समय बाह्यमुखी है चेतना। बाह्यमुक्ता की यात्रा अंधकार की यात्रा है, अंतर्मुखता की यात्रा प्रकाश की यात्रा है। तो फर्स्ट कैटेगरी वो लोग हैं जो सेवाओं में खो गए, मौन है ही नहीं। उसमें नहीं जाना है, चिंताएं है, दुख है, पीड़ा है, दर्द है, वेदना है, ऊपर से सारी प्राप्ति है फिर भी, और दूसरों को दुखी करते जा रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, और सिखाने में क्रोध है, उसमें सूक्ष्म हिंसा छिपी हुई है। तो ये यात्रा कौन सी है? अंधकार से अंधकार की। दूसरी यात्रा है प्रकाश से अंधकार की। ज्ञान योग में बहुत आगे बढ़ गए हैं, परंतु विकारों का खात्मा केवल ऊपर ऊपर से किया है। सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में सारे विकार वैसे ही पड़े हुए हैं, और वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते। हमारी सारी भट्टियां, सारे ज्ञान योग, सारी क्लासेस, सारा योग, सब कुछ कॉन्शियस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। ऊपर ऊपर के मन में ऊपर ऊपर थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। हमारा सारा चिंतन मनन, सब टोटल ऑफ चिंतन मनन, चिंतन मनन अध्ययन से कभी भी अंदर के विकार नहीं जा सकते। उससे थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर की सफाई होगी, परंतु सबकॉन्शियस माइंड में जो विकार छिपे हुए, सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में जो विकार छिपे हुए, जो भोग की लालसा है, जो काम की लालसा है, जो इंद्रिय सुखों की लालसा है, वो जन्म जन्म की है। वो अमृत वेला उठ गए और मुरली 10 बार सुन ली और 10 बार पढ़ ली और क्लासेस सुन लिए और भट्टिया कर ली, उससे तो स्पर्श भी नहीं होता है, वो अनटच्ड है, क्योंकि बीच में मोटी मोटी दीवारें हैं। इन दीवारों को तोड़कर चेतना की गहराई में जाना और वहां से एक एक विकार को बाहर निकालना, ये वास्तव में बहुत 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 बड़ा पुरुषार्थ है। हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं वो केवल चेतन मन पर ऑपरेट कर रहा है। मैं ये आत्मा हूं, मैं वो आत्मा हूं, और जब वास्तव में परिस्थिति आती है, सारा ज्ञान योग खत्म। मैं मास्टर ये हूं, मैं मास्टर वो हूं, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, और भोजन देखा, सारे इंद्रियों में से कुछ कुछ होने लगा। स्वराज्य अधिकारी थोड़े देर के बाद, आफ्टर 1 आवर पोस्टपोन, एक बार भरपेट ले लिया, अब मैं मास्टर, अब मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, कर्मेंद्रिय जीत हूं, महाज्वालामुखी योगी हूं। लास्ट संडे की मुरली, निर्भय पवित्रता की शक्ति, 1 सेकंड की शक्ति भी सारे विश्व के किचड़े को भस्म कर सकती है, ऐसा ज्वाला, ऐसी पवित्रता की पावर है, ऐसी योग की पावर है, वो मैं हूं। पर पहले ये ले लूं, उसके बाद ब्रेक के बाद थोड़ा सा पोस्टपोनिंग ऑफ सोमान, कहीं जा तो नहीं रहा है ना भाग के। फिर विकार इतने आसान नहीं है, क्योंकि सारे विकार अंतर मन में छिपे हुए है, और हम जो सफाई कर रहे हैं वो ऊपर ऊपर की कर रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, ज्ञान का डिस्कशन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, क्लासेस करा रहे हैं, सुन रहे हैं,
सब कुछ सम टोटल सेवाएं कर रहे हैं, क्योंकि उन सभी सेवाओं में बाह्य मुक्ता है, उन सभी सेवाओं में मौन खो गया है, उस तपस्या में अंदर तक नहीं पहुंच पा रहे। जैसे कुआ एक कुछ गिर गया है गड्ढे में, हमें उठाने पर हाथ पहुंच नहीं रहा है, तो यात्रा हो रही है प्रकाश से अंधकार की ओर, प्रकाश में है परंतु जा रहे अंधकार की ओर। तीसरे प्रकार की आत्मा है, ये थोड़े ठीक है, वो अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं, उन्हें पता है अपने अंदर क्या कमियां है, कि मेरी ये सबसे बड़ी कमी है, द ग्रेटेस्ट वीकनेस इज योर लास्ट मिस्टेक इज योर ग्रेटेस्ट टीचर। ये मेरे में कमियां है, ये गलतियां मुझसे हो रही है, ये मेरा सारा ज्ञान योग ऊपर का है, बस दिखावा मात्र। अंदर से मैं और संसार का वो गृहस्थी कोई ज्यादा अंतर नहीं है, वही इच्छा है, वही कामना है, सब इधर और उधर सेम है। ये रियलाइजेशन एंड देन स्टार्ट द जर्नी कि अभी मुझे प्रकाश की ओर जाना है। और चौथे कौन है, ये बड़े अच्छे हैं, जो प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहे हैं, ही प्रकाश में परंतु फिर भी यात्रा और प्रकाश की ओर जा रही है, और प्रकाश, क्योंकि जितना जितना गहराई में जाते रहेंगे, जाते जाओगे, एक स्थिति चेतना की ऐसी आती है कि संपूर्ण निर्विकारिता हो जाती है। जो बुद्ध को कभी उस गौतम उस बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई, एक एक निकल गया जैसे उसमें से, एक एक विकार हट गया जैसे, ऐसी स्थिति में चेतना को उसके सारे पूर्व जन्म याद आ जाते, वो क्या क्या थी। तो हम कहां थे, करण करावन हार्पर। तो चिंता से मुक्त निश्चिंत जीवन, बेफिक्र जीवन, जिस जीवन में कोई वरी ना हो, स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना हो, क्या करना है कि मुझे चलाने वाला कौन है, वो। और इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, चलते फिरते, मैं नहीं खिला खा रहा हूं, वो मुझे खिला रहा है, वो मुझे स्नान करा रहा है, मैं नहीं चल रहा हूं, वो मुझे चला रहा है, मैं सेवा नहीं कर रहा हूं, वो सेवा कर रहा है। दो प्रकार की सेवाएं हैं ब्राह्मणों की, एक डायरेक्ट सेवा आत्माओं की, जिसमें हम डायरेक्ट आत्माओं के संपर्क में आते हैं, किसी का कोर्स करा दिया, क्लास करा दी। एक दूसरी सेवा है जो सूक्ष्म है, जो पेड़ पौधे हैं उनको पानी दे रहा है, बर्तन साफ कर रहा है, किचन में कोई सेवा कर रहा है, स्थूल सेवा है। एक है जिसमें आत्माओं से डायरेक्ट कांटेक्ट, एक दूसरी सेवा जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, परंतु यहां किस भाव से सेवा करनी है, कि झाड़ों में जो पानी डाल रहा हूं, जो नए आगंतुक नए लोग यहां आएंगे मधुबन की इस धरनी को देखकर खुश हो जाएंगे, साफ सफाई की सेवा कर रहा हूं, यहां जो नए लोग आएंगे, जो नए ब्राह्मण आएंगे, जो घूमने फिरने वाले आएंगे, यहां की सफाई देखकर उनके अंदर कैसे भाव प्रकट होंगे, उस भाव से सेवा करनी। रोटी बना रहे हैं परंतु किस भाव से, जो 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 इसको खाएगा उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, इस भाव से। स्थूल सेवा कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हुए कुछ लिखने की सेवा कर रहे, कुछ टाइप करने की सेवा कर रहे, परंतु इस फीलिंग से, इस भाव से कि मेरा लिखा हुआ एक एक शब्द आत्म क्रांति लाएगा, आत्म जागृति लाएगा। सोई हुई आत्माएं संसार में बहुत दुखी है, लोग इतने दुखी है, इतने दुखी है, क्या बताएं, घर घर में दुख के सिवा कुछ भी नहीं है, चिंताएं है। ऐसी आत्माएं, ऐसी तड़पती बिलकती आत्माएं, ऐसी दुखी आत्माएं एक पल के लिए मधुबन के इस द्वार में प्रवेश करे और देखे यहां की कोई एक बात, और उनके हृदय में कैसे भाव जागृत हो जाए, ये सेवा। छोटे से छोटा कर्म, आज ही कहा है ना बाबा ने, कर्म साधारण परंतु स्मृति अलौकिक महान, उस स्मृति के साथ। तो सबसे पहली विधि वो करा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरे द्वारा ये सेवा हो रही है। दूसरा निश्चय,
चिंता से मुक्ति का दूसरा मार्ग निश्चय, श्रेष्ठ कर्म हुआ ही पड़ा है ये निश्चय, फेथ कि जो कुछ होगा अच्छा ही होगा और सफलता मेरी होनी ही है, मेरी नहीं होगी तो किसकी होगी। हम चुनी हुई आत्मा है, इस मुरली की सबसे लास्ट लाइन क्या है, मुझे बाप ने अपना बना लिया बस इसी खुशी में रहो। मुरली की लास्ट लाइन क्या है, बाप ने मुझे अपना बना लिया है इस खुशी में रहो। तो निश्चय, और निश्चय के पेपर आएंगे, बहुत सारे पेपर आएंगे जो निश्चय को हिलाएंगे, डावाडोल करेंगे, और वही समय होगा कि हमें आगे बढ़ते रहना है, झुकना नहीं। बस ये मार्ग बहुत 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 कठिन है, परंतु यदि भगवान साथ है तो सब सहज है, परंतु उससे मनसा में दूरी जब हो जाती है तो फिर कठिन ही कठिन है, नहीं तो बहुत मुश्किल। ब्रह्मा बाबा से कभी किसी ने पूछा था, आपका ये यज्ञ कैसे चलता है, पैसे कहां से आते हैं? पैसे आते कहां से? बाबा ने कहा था हमारे पास कुआ है एक। लोगों ने कहा कौन सा कुआ? बाबा ने कहा कुआ है जिसमें सोने हीरे जवाहरात चांदी सब कुछ है। सबने पूछा ये कुआ है कहां? बाबा ने कहा जब भी चाहिए, जो भी कोई संकट आता है, कुछ भी होता है, कुएं से पैसे निकाल लेते हैं हम लोग। बाबा वो कुआ कहां है? बाबा ने कहा शिव बाबा ही वो कुआ है, और क्या। तो जब भी कुछ चाहिए तो कुएं में हाथ डालो और निकाल लेना। निश्चय तीसरा खेल, तीसरा क्या, सेवा किस लिए दी गई है? खेल है, तुमको बिजी रखने के लिए दिया गया, ये खेल चल रहा है ताकि तुम्हें अधिकार मिले तुम्हारी सेवाओं के कारण। बाकी काम बाप का है और नाम बच्चों का हो रहा है। तो केवल यही नहीं, ये सारा संसार ही खेल है। इस संसार में अपोजिट्स का खेल चलता है, जय पराजय, हानि लाभ, निंदा स्तुति, सुख दुख, ठंडी गर्मी, ठंडी गर्मी। पवित्रता की सर्वोच्च परिभाषा है समता ही पवित्रता है, इक्वानिमिटी इज प्यूरिटी। जो स्थिर रहे, सबको अनित्य माने, स्तुति हो रही है ये भी अनित्य है, निंदा हो रही है ये भी बीत जाएगा, मान हो मिल रहा है अपमान हो रहा है, अभी अभी बहुत फायदा हुआ फिर नुकसान भी होगा, अभी अभी स्थिति बहुत अच्छी है वो भी अनित्य है, अभी फिर नीचे चली जाएगी, पर जो नीचे जाएगी वो भी रुकने वाली नहीं है, वो भी मरण धर्मा है। जो निरंतर इस बात का अभ्यास करते रहता है, निरंतर जो कुछ हो रहा है अनसर्टन, भोक्ता भाव से भोजन स्वीकार नहीं करेंगे, भोक्ता भाव से संसार में विचरण नहीं करेंगे, भोक्ता भाव से सारी चीजें नहीं करेंगे, दृष्टा भाव से करेंगे, साक्षी भाव से करेंगे, समता भाव से करेंगे। बस ये तीन शब्द याद रखना है, दृष्टा, समता, साक्षी। समता ही पवित्रता है, जो जितना समता में स्थित है, स्थिर है, समता अर्थात समान है हर चीजों में, इक्वानिमस माइंड, इक्विपॉइस, वही प्यूरिटी है। खाली मैं प्योर आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं होने से पवित्र नहीं होंगे, हर परिस्थिति में अच्छी बुरी, पॉजिटिव निगेटिव, दोनों में से डिटैच्ड। ये आया है ये भी नहीं रहेगा, वो आया है वो भी नहीं रहेगा। बार बार मन को, क्योंकि मन का स्वभाव है चिपकने का, जो अच्छा लगता है उससे चिपकता है, जो अच्छा नहीं लगता है उससे द्वेष करता है, बस यही स्वभाव। यही दो ही विकार है वास्तव में, राग और द्वेष, दूसरे और कोई विकार ही नहीं। मन को राग द्वेष से मुक्त रखना, जो अच्छा लग रहा है उससे राग, ठंडी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ठंडी है, द्वेष हो गया, फिर
फिर गर्मी, अरे बहुत ज्यादा गर्मी है, वहां द्वेष हो गया। हाँ अभी मौसम अच्छा है, ये राग है, मन डोलते रहता है, ना राग ना द्वेष। काम बस इन ही दो विकारों पर करना है, कहीं पर भी राग ना हो, कहीं पर भी द्वेष ना हो। जब भी राग उत्पन्न ना हो, मन में संकल्प करो ये बीत जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये नश्वर है, ये भंगुर है, ये क्षण भंगुर है, मरण धर्म है, ट्रांजिटरी है, द लॉ ऑफ इम्परमानेंस। इस संसार की सभी चीजें नश्वर है, कुछ भी यहां वैसा नहीं है जो है, टिकेगा कुछ भी नहीं। आज बहुत फायदा हुआ, कल नुकसान होगा। आज स्थिति बहुत अच्छी है, शाम तक देखना क्या होता है। वो अच्छी स्थिति भी बहुत ऊंची स्थिति, वो भी, उससे भी राग नहीं, उससे भी राग नहीं, पॉजिटिव से भी राग नहीं, निगेटिव से भी राग नहीं। राग और द्वेष जहां आ जाएगा वहां दुख होगा। जितना गहरा राग उतना गहरा द्वेष, उतना जितना गहरा द्वेष उतना गहरा क्लेश, क्लेश अर्थात दुख। जहां पर भी राग उत्पन्न किया, ये लैपटॉप बहुत अच्छा है, अगला क्षण दुख का होगा। ये लैपटॉप बिल्कुल अच्छा नहीं है, अगला क्षण दुख का होगा। जहां राग होगा और जहां द्वेष होगा, एक तरफ हेट्रेड अटैचमेंट और दूसरी तरफ रिपल्शन, ये दोनों ही अंततोगत्वा दुख की तरफ ले जाएंगे। और इस संसार में दुख तो दुख है ही, जो सुख है वो भी दुख ही है, सुख को भी दुख ही देखना। समता ही पवित्रता है, प्यूरिटी इज इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी इज प्यूरिटी, एक सब। तो इस संसार को कैसे देखना है, खेल चल रहा है, सेवाओं का भी खेल चल रहा है, क्या उसे हमारी सेवाओं की जरूरत है? वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो सावल शाह है, वो उसे कुछ भी नहीं चाहिए, परंतु परमात्मा तालाब गरीबों की पाई पाई से भरेगा। वो हम अपना भाग्य बना रहे हैं यहां सेवा करके, इसलिए सेवाओं का बड़ा महत्व है, स्थूल सेवा का भी और धन की सेवा का भी। बाकी सब करते, धन का जब प्रश्न आता है तो लोग कैलकुलेशन करने लगते हैं। मधुबन में 5 दिन रहे, कितना दू अभी उस हिसाब से देंगे ना? तो खेल चल रहा है। तीसरा, चौथा, चौथी विधि, बेफिक्र बनने की असोच। क्या हो जाओ बाबा, सेवा कैसी बढ़ेगी, सोचने से सेवा नहीं बढ़ेगी, प्रिंसिपल ही उल्टा बताया, और वही सही है। जितना ज्यादा सोचोगे, बुद्धि और मन बिजी रहेगा, बुद्धि और मन को फ्री कर दो तो बाप की टचिंग और बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव होगी। समर्पण कर दो, सब कुछ तुम ही करोगे क्या? मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, और आज तक जो कुछ सोचा कुछ हुआ क्या? मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, हुआ कुछ और ही, जो मंजूर है खुदा है। इसलिए मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, ये भी राग है एक रीति से, इसमें भी राग है। और जहां भी राग है, जहां भी अटैचमेंट है, वहां दुख होगा ही। मार्ग ऐसे चलना है कि बस ये मार्ग वहां तक पहुंचता है, चलते जाओ, कठिन है परंतु सही दिशा में चलते जाओगे तो पहुंच जाओगे, बस इतना है। ये यात्रा प्रकाश से प्रकाश की ओर है, और परमात्मा प्रकाश का सागर है, उस तक पहुंचना है। तो असोच बन जाओ, असोच बन जाओ मतलब सोचना नहीं। अब ये कैसे करें, नो माइंड स्टेज, मनोनाश। समता, फिर से वही पॉइंट है, क्योंकि विचार आते रहते जाते रहते, आते रहते जाते रहते। जब भी कोई विचार आए, पहला परिस्थितियों पर काम किया, अभी विचारों पर काम करना। ये विचार भी अनित्य है, थोड़ी देर रहेगा चला जाएगा, अब दूसरा आएगा। और हमारे जितने विचार है मैं के इर्द गिर्द घूमते रहते, मैं और मेरी स्वप्न बस, इसके सिवा हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम जो कह रहे हैं कि मैं ये सेवा करता हूं, इन सेवा से उनका फायदा हुआ,
प्रसेनजीत नाम का एक राजा था, उसकी पत्नी थी मल्लिका। दोनों ही योगी थे, दोनों ही तपस्वी थे, दोनों ही महात्मा बुद्ध के शिष्य बने और दोनों ही एक साथ ध्यान करते थे बैठकर। और दोनों को ही एक ही संकल्प आया एक दिन शाम के ध्यान करते समय। मल्लिका ने कहा, मुझे आज एक ध्यान प्रश्न आया कि इस संसार में मैं सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हूं। और फिर मेरे ही मन ने उत्तर दिया, मैं अपने आप से करती हूं। राजा ने क्या कहा, वो शोक सुन के शॉक नहीं हुआ, उसने कहा, अरे ऐसा ही विचार मेरे भी मन में इसी समय आया कि इस संसार में मुझे मैं सबसे ज्यादा किससे प्यार करता हूं। तो इसका ये उत्तर ये नहीं है कि मैं तुमसे करता हूं, मतलब अपनी पत्नी से। मैं इस संसार में सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार करता हूं, बस मैं और मेरे स्वप्न। वो दोनों ही बुद्ध के पास जाते हैं, बुद्ध को अपनी कहानी सुनाते हैं कि हमने ऐसा देखा। बुद्ध कहते हैं, साधु साधु साधु, दिस इज रियलाइजेशन। ये यात्रा है प्रकाश के प्रकाश की ओर। अब तुम्हें समझ में आया, हम इस संसार में और किसी से नहीं प्रेम करते, हम अपने आप से प्रेम करते हैं। हमारी सारी चेष्टाएं मैं केंद्रित है। इसलिए जिसे हम सेवाएं कह रहे हैं वो भी वास्तव में मैं का ही विस्तार या सजावट है, मैं की सजावट। असोच। पांचवा, शुभ चिंतन जहां होगा वहां पर चिंता नहीं होगी। तो क्या करना है, शुभ चिंतन। शुभ चिंतन की पॉइंट्स निकालनी है रोज मुरली से। शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, हायर कॉन्शियसनेस का चिंतन। एक ही पॉइंट लो और बस उसके चिंतन में मन को बिजी कर दो। एक होता है योग के लिए बैठना, एक होता है चिंतन के लिए बैठ के चिंतन करना। एक चिंतन है चलते फिरते प्रकृति की सानिध्य में, दूसरा चिंतन है एक जगह बैठ जाओ, अभी हिलना ही नहीं, आंखें बंद, एक टॉपिक दे दो स्वयं को, सारा विश्व, सारा सारी सृष्टि, सारी प्रकृति इस अंदर इस देह में समाई हुई है, सब कुछ इधर ही है, यहीं पर इसी मन में सब कुछ है, इसी आत्मा में सब कुछ है। वो सारी ड्रिल्स भी हमारी बहुत बेसिक्स है कि मैं आत्मा हूं, मैं परम धाम में जा रही हूं, मैं सूक्ष्म वतन में जा रही हूं। एक समय आएगा ना तो ये सोचने की जरूरत मैं आत्मा हूं, ना तो सूक्ष्म वतन वहां है, वहीं सब कुछ है। आत्मा भी वही और परमात्मा भी वही, सूक्ष्म वतन भी यही इमर्ज। वो जो ड्रिल है, मैं ऊपर जा रही हूं, फिर वो उसे छोड़ा और फिर उधर जा रही हूं, फिर इधर जा रही हूं, फिर इधर, फिर उधर। जितना मन सूक्ष्म होते जाएगा, एक अनुभूति होगी कि कहीं पर भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। बस संकल्प भी ये करना नहीं, मैं शांत स्वरूप हूं। जब हूं तो बोलने की भी क्या आवश्यकता है, बोल रहे हैं, ये लोअर स्टेजेस है। हायर स्टेजेस में केवल अनुभूति है, केवल स्वरूप है। तो शुभ चिंतन, पांचवी विधि शुभ चिंतन। शुभ चिंतन कहां से निकालेंगे, मुरलियों से। पॉइंट्स निकालनी है, एक्सट्रैक्ट पॉइंट्स, पकड़ना है उनको, फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट कर देना है उनके ऊपर, एक ही पॉइंट के ऊपर। और फिर सोचना है, लास्ट संडे की मुरली, ज्वालामुखी योगी हूं, फोकस कर दो, आग आग, यहां आग उत्पन्न हो जाए, सारा किचड़ा भस्म। केवल मेरा ही नहीं, विश्व का। अभी तो तुम्हारे बहुत बड़ा काम करना है, स्पीड बहुत कम है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, सारे विश्व का और प्रकृति का तमोगुण नष्ट करना है। ये बहुत बड़ा काम है, लास्ट संडे की मुरली, ये काम बहुत बड़ा है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अभी तुम्हारी कौन सी चाल है, मुरलियों में क्या आता है, साकार मुरली, मकुआ, केकड़ा, चींटी, विहंग मार्ग की सेवा, पॉजिटिव को निगेटिव को पॉजिटिव कर देना, यही मनसा देवा है। साइलेंस की पावर है आज की, है ना, स्लोगन, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। नेक्स्ट, तो कितने हो गए, छह हो गए। अगला, छह नहीं हो गए, छठवा। छठवा है नशा। नशा होगा तो नाचते रहोगे, निश्चय होगा तो विजयी होंगे। नशा हो,
नशे में क्या, रूहानी फकूर, फिकर जो भी है वो बाप को दे दो और उससे क्या ले लो एक्सचेंज में, फकूर। तो कल सुबह क्या करना, अपनी जो भी फिकर है, कुमारों को भोजन की, कुमारियों को नौकरी की, गृहस्थियों को बाल बच्चों की, बोला ना मुरली में, और टीचर बहनों को सेवा कैसी बढ़ेगी। तो क्या कर दो, फिकर को दे दो और उधर से फकूर, नशा रुहाब ले लो, इससे चिंता से मुक्त होंगे। अगला, अमृत वेला दिल खुश मिठाई खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। दिल खुश मिठाई अर्थात अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, अर्थात शरीर है ही नहीं, देहभान की विस्मृति, देह की ही विस्मृति, कहां बैठे है, पैर किधर है, हाथ किधर है, ऐसी विस्मृति, चेतना उड़ने लगे आकाश में, ऊपर 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 विस्मृति हो जाए इस संसार की, ऐसा स्ट्रांग शक्तिशाली अनुभव, यह है दिल खुश मिठाई, अमृत वेला, खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ। माताओं से बाबा ने बात की, ज्ञान का विरोध करते हैं परंतु तुम्हारी चलन कैसे हो, तुम्हारी सूरत ज्ञान की सीरत को डायरेक्ट प्रत्यक्ष करे। आज गालियां दे रहे, गालियां देने वाले फिर झुकेंगे, ओहो प्रभु। तो अमृत वेला क्या करो, ये दिल खुश मिठाई खाओ भी, और जो खाता है वो दूसरों को खिलाए बिना रहता नहीं है, खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ। खुश नुमा चेहरा, अशांत चेहरा, घबराया हुआ चेहरा पसंद नहीं आता है, तो तुम्हारा चेहरा ही क्या करे, सेवा करे। परंतु इसका मतलब ये नहीं हा 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 करते रहो, तुम्हारी खुशी आंतरिक है, तुमने कुछ पा लिया है, उनको लगे कि ये कुछ है, ये कुछ इन्होंने कुछ उनको कुछ मिला है, ऐसा लगे अल्लाह लोग ये अलग लोग है, ये नॉर्मल मतलब ऐसे नहीं है जैसे संसार के लोग होते, कुछ तो इनमें अलग है, पर अभिमान से कहते नहीं है परंतु उनको पता है इनमें अलग है। तो ये एक पॉइंट, और लास्ट पॉइंट आठवां, अलौकिक स्मृति। कौन सी स्मृति, तीन प्रकार, तीन बातें उसमें बताई, एक तो ये हीरे तुल्य जीवन है वो सब तो है ही, सबसे पहली स्मृति एक बाप दूसरा ना कोई, स्मृति शक्तिशाली होगी तो स्थिति शक्तिशाली होगी। दूसरी स्मृति मेरे को तेरा, और तीसरी स्मृति मेरा बाबा, जब भी मेरा कहो तो बाबा जोड़ दो। तो ये तीन स्मृतियां है, अलौकिक स्मृतियां, श्रेष्ठ स्मृति, छोटे से छोटा कर्म हो परंतु स्मृति बहुत महान हो, मैं कहां हूं, विश्व के केंद्र में हूं, मधुबन में हूं, किसकी भूमि है ये, महान तपस्वियों की भूमि है, इस तपस्वी भूमि में तपस्वी वाइब्रेशन है, सब जगह कण कण में प्रकंपन है पवित्रता के। योग करना है भले कुटिया में बैठे नहीं है परंतु कहीं बाहर बैठे संकल्प करो कि बाबा की कुटिया के समस्त वाइब्रेशन मुझ आत्मा में समारे। शांति स्तंभ पर है नहीं फिजिकली, संकल्प करो कि वहां के सारे वाइब्रेशंस मुझ आत्मा में आ रहे। हिस्ट्री हॉल की जितनी दादियां दिखाई दे रही है सारे, सबके वाइब्रेशन, सबकी शक्ति, सबकी प्यूरिटी मुझ आत्मा में समा रही है। ऐसा अखंड ब्रह्मचर्य, ऐसी अखंड पवित्रता मुझ में समा रही है। तो कितनी बातें हो गई, आठ, सबसे पहली करावनहार, दूसरा निश्चय, तीसरा खेल, चौथा असोच, पांचवा चुप चिंतन, छठवा नशा, अमृत वेला दिलकुश मिठाई, और लास्ट अलौकिक स्मृति। ऐसे अलौकिक स्मृति वाली आत्माओं को, ऐसे नशे में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे गुणमूर्त बन दूसरों को भी गुणमूर्त बनाने का संकल्प करने वाली आत्माओं को, ऐसे साइलेंस की पावर से निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने वाली आत्माओं को, ऐसे सदा ही परमात्मा प्रेम के झूले में झूलने वाली सुखदायी सुख का अनुभव करने वाली आत्माओं को, ऐसे अलौकिक संगम युग में रहने वाली आत्माओं को, बड़े से बड़े बाप की, बड़े से बड़ी संतान, बड़े से बड़े बच्चे, बड़े से बड़ी दिल वाले बच्चों को, बड़े से बड़े पुरुषोत्तम आत्माओं को, ऐसे प्रकाश की ओर जाने वाली आत्माओं को, ऐसे सर्वगुण संपन्न, ऐसे
जैसे ज्ञान को इमर्ज किया अब गुणों को इमर्ज करो, ऐसी आत्माओं को, ऐसे दिलकुश मिठाई खाने और खिलाने वाली आत्माओं को, ऐसे नाचने वाली, गाने वाली, झूमने वाली, उड़ने वाली, नशे में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे असोच आत्माओं को, ऐसे ऐसे सदा हर्षित भव का वरदान बाप से लेने वाली आत्माओं को, ऐसे ही जो साकारी और आकारी आत्माओं को, ऐसे मेरा बाबा तेरा बाबा मेरा बाबा तेरा बाबा सबका बाबा तब तक नहीं रुकूंगा जब तक एक एक छाती में प्रभु प्रेम का ध्वज न गाड़ दूं। ऐसा संकल्प करने वाली एक एक आत्मा को परमात्मा प्रेम में डुबो देने वाली आत्मा को, ऐसी ऐसी हाँ बेफिक्र बादशाह आत्मा को, ऐसी नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ऐसी ऐसी भगवान के दिल तख्त पर बैठने वाली आत्माओं को, ऐसे तीरी में बहिष्ट रूपी सौगात, बड़े से बड़े सौगात लेने वाली आत्माओं को, उधर का राजा तुमको, फॉरेन का राजा रानी सख्त देगा, तुम लोगे नहीं लोगे, बड़े बाप के बड़े बच्चे आत्म, बड़ी दिल वाली आत्माओं को, बेहद बाप के बेहद के बच्चों को, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर की आदि आदिनाथ आदिदेव आदि आत्मा की आदि आत्माओं को, क्रिसमस ट्री पर चमकते हुए बल्ब सितारे, सदा खुश मिशा जात माओ को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।